छोटा गिरा इसलिए बच गए। तो कहाँ चोट आई आपको, दिखाइए जरा। आज हम फिर एक जनहित के मुद्दे को लेकर आपसे रूबरू होने आए हैं। ये आपको बता दूं कि कमजोर जो है कि कंक्रीट के कारण जो है कि ये टूट कर यहाँ पर गिर चुका। नमस्कार, मैं हूँ मनीष चौबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी प्राइम न्यूज। आज हम फिर एक जनहित के मुद्दे को लेकर आपसे रूबरू होने आए हैं। ये देख रहे हैं आप मेरे पीछे, ये ब्रिज जो देख रहे हैं, ये ब्रिज आप 35 साल पुराने आउट डिटेक्टर राजीव सेतु है इसका नाम। हावड़ा मुंबई रेलवे लाइन पर धमधा नाका राजीव सेतु पर आवागमन के दबाव को देखते हुए वर्ष 2018 में 23 करोड़ का चौड़ीकरण का प्रस्ताव तैयार कराया गया था। इस बीच प्रदेश व शहर में सरकार बदल गई, लेकिन 5 साल बाद भी इस पर काम नहीं हुआ। इससे मार्ग पर आवागमन का बोझ अब भी 35 साल पुराने आउट डेटेड और जर्जर राजीव सेतु है। हालात यह है कि जर्जर ब्रिज का बार बार मरम्मत कर काम चलाया जा रहा है। ऐसे में कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। इसके बाद भी न तो अधिकारी ध्यान दे रहे हैं और न ही जन प्रतिनिधि जो है कि गंभीर हो पा रहे हैं। अब देखिए ये स्थिति है जो है कि ब्रिज की। मेरे साथ बने रहिए, ऊपर भी चलकर हम आपको इसका जो है कि वास्तविक का परिचय आपसे कराएंगे। जी मैंने आपको बताया कि ये जो ब्रिज है वो इतना खतरनाक हो चुका है कि कभी भी जो है कि बड़ा हादसा हो सकता है। अब मैं आपको छोटे हादसे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये चाचा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हें जो है कि चोट लगी है सर पे, उसका कारण है ये ब्रिज। कैसे चोट लगी है, क्या नाम है आपका? कमलेश यादव। कमलेश यादव नाम है आपका? हाँ जी। क्या करते हैं आप? नौकर में खटने सर भाई वाला जी। काम करते हैं आप? हाँ। कैसे चोट लगी है आपको? पार हो रहे थे भाई, मान के जानवर आ रहे थे, आओ कर रहे थे। तो ऊपर से गिर गया? हाँ ऊपर से गिर गया नीचे। तो कितना वजन होगा उसका लगभग? गिरा था उसको फिर मलवा गिर गया। छोटा गिरा तो मर गया। मलवा गिरा मतलब छोटा गिरा इसलिए बच गए। तो कहाँ चोट आई आपको, दिखाइए जरा। ये चोटें आई हैं इनको, हालांकि ये छोटा मलबा जो है कि गिरा इनके सर पे, और इनका कहना ये है कि अगर बड़ा मलबा गिरता तो शायद इनकी जान भी जा सकती थी। ऐसे और भी तमाम वो लोग हैं जो इस ब्रिज से चोटिल हो चुके हैं और उन्हें चोटें आई हैं, गंभीर चोटें आई हैं। एक युवा है हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका, जरा और पास आएंगे। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। दीपक कुमार, कहाँ चोट लगी आपको, कैसे लगी थी? ये पैर में चोट लगी थी आपको? अरे बाप रे, काफी गंभीर चोटें आई हैं। क्या कर रहे थे आपकी चोट लगी आपको? जैसे भैंस हका के जा रहा था, वो बेचारा निकाल रहा था, तो मैं पार हुआ तो उसको सर में चोट लग गया, मेरे पैर में चोट लग गया। पैर में चोट लगी, तो काफी खून भी निकला होगा। तो क्या गिरा, क्या था आपके ऊपर? पत्थर गिरा था ना, वो गिरा, छड़ का पत्थर गिर गया, इसमें चोटें आई। आपका क्या नाम है भाई साहब? लालू यादव। तो बिहार वाले लालू तो नहीं है? बिहार वाले लालू है, बिहार वाले लालू है। आपको कहाँ चोट लगी थी लालू जी? इधर कॉलोनी से घूम के आ रहे थे, यहाँ पास खड़े हुए, बस गिर गया। अच्छा, कॉलोनी से घूम के आ रहे थे, यहाँ पे गिर गया, चोट लगा आपको? पत्थर। ये लालू जी थे, बिहार वाले लालू है, ये भी बता रहे हैं कि बिहार का हूँ मैं। इनको भी चोट लगा है। अच्छा, आपका? हमारा नाम है सिद्धनाथ प्रसाद। सिद्धनाथ प्रसाद, कब से रहते हैं आप यहाँ, कितने साल? 82 से हम लोग। 82 से हैं आप? सन 82 से जी। तो ये ब्रिज आपके सामने बना होगा? हाँ जी, बना है हमारे सामने। कौन बनवाया था इस ब्रिज को? बोरा सिंह बनवाया था, मोतीलाल वोरा जी बनवाए थे, 35 करोड़ की लागत से। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो ये कितना खतरनाक हो चुका है अभी चाचा? बहुत डैमेज है, खतरा से बच रहा है आदमी, जा रहा है भाग भाग से बच रहा है। तो इसकी शिकायत नहीं करते आप लोग? हम लोग कंप्लेन किए हैं सर। कहाँ किए हैं? संजय कोले और अरुण बोरा, अभी भोटला आवे तब ना जवाब दिया जाएगा। तो ध्यान नहीं दे रहे? कुछ नहीं, देख के चले गए, सब के बुलाए नहीं आए, दो बार बुला चुके। आइए सर, देखिए हमें गरीब आदमी का मना खाने वाले है, लेकिन घटना होने वाला अभी तक नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं, ये हमने भी देखा आकर यहाँ पे, तो ये साफ तौर पर ये जो है कि नजर आ रहा है, ये जर्जर हो चुका। ये जो है कि साइड से बनाया गया था, ये ब्रिज के पास ये जो है कि ये बनाया गया था सीढ़ी,
ताकि आसानी से लोग जो है कि आवागमन कर सके और ब्रिज के ऊपर आसानी से ब्रिज को पार कर सके। लेकिन आज स्थिति ये है, ये देखिए पानियां टपक रही हैं, इस पे से बारिश का पानी टपक रहा है। और मैंने आपको उन घायलों से भी परिचय कराया और बात कराया जो इसके पीड़ित हैं। हालांकि बीस शहर में, दुर्ग के बीस शहर में ये ब्रिज है, और ये ब्रिज जो है कि इतना पुराना हो चुका है, उसके बावजूद भी लोग इसकी सुध जो है कि जनप्रतिनिधि और शासन और प्रशासन इसकी सुध क्यों नहीं ले रहा है, ये अपने आप में सोचने समझने और जानने का विषय है। लोगों से हमने बातें किया तो स्थानीय लोगों ने कहा कि इसकी पुनर्निर्माण की दरकार है। यहाँ पे राजीव सेतु जो है, हम खड़े हैं इस पे, राजीव सेतु नाम है इसका। ब्रिज की स्थिति हम बताने का प्रयास करेंगे, इस वजह से समझे कि ब्रिज की स्थिति जो है कि क्या है, किस वजह से जो है कि ये स्थिति हुई है। आपको बता दें कि फुटपाथ बेहद जर्जर स्थिति में हो चुका है। फुटपाथ जो होता है, ये है फुटपाथ, आपको बता दें ये फुटपाथ है, और फुटपाथ हमेशा जो है कि सड़क से ऊंचा रहता है ताकि लोग जो है कि आसानी से फुटपाथ पर आवागमन कर सके। फुटपाथ की स्थिति आप देख रहे हैं, ये स्थिति है फुटपाथ की। बार बार डामरीकरण के कारण फुटपाथ और सड़क लगभग समतल हो चुके हैं, मतलब इतने बार जो है कि इस पे डामरीकरण हो चुका है, इसके ऊपर डामरीकरण हो चुका है ब्रिज बनने के बाद, कि फुटपाथ और सड़क लगभग एक समान हो चुके हैं, एक बराबर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं डामरीकरण के कारण जो है कि पिलर के बीच ज्यादा दबाव, जो तकनीकी रूप से खतरनाक माना जाता है, सड़क की तरह सतह मतलब ना होना, दलदल जो है कि दलदल लहरदार व गड्ढे युक्त हो चुके हैं। आपको बता दें कि रेलिंग जर्जर हो चुका है, रेलिंग जो है इसका आप देख सकते हैं, रेलिंग जर्जर होकर बाहर की ओर झुक नहीं पा रहा है। जर्जर रेलिंग के ऊपर होने के बाद भी ये आप देख सकते हैं, यहाँ से तरफ दिखाई दे रहा है, इनसे कहूँगा मैं यहाँ दिखाएं, ये देखिए ये कैसे एक दूसरे में जो है कि समानता होनी चाहिए, लेकिन ये खसक के उधर जा चुका है। इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि वो जो जालियां लगी है, इसके ऊपर जो जालियां लगी है, ये जर्जर हो चुका है, और जर्जर के ऊपर जो है कि जालियों को लगा दिया गया है, और ये जाली जो है कि उतना ही खतरनाक हो चुका है, उतना ही भयानक रूप ले सकता है कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। आपको बता दें कि सड़क के मध्य मार्ग में विभाग नहीं चिन्हित किया गया है, वहां से गायब है। सी आकार और कम चौड़ाई के कारण पुल दुर्घटना जन्य माना जा सकता है। बिजली के खंभे के कंक्रीट बेस टूटकर कमजोर हो चुके हैं, ये आप देख रहे हैं, ये बिजली का खंभा है, बिजली का खंभा जो है कि कमजोर कंक्रीट के कारण, आपको बता दूं कि कमजोर जो है कि कंक्रीट के कारण जो है कि ये टूट कर यहाँ पर गिर चुका है, और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे शहर के विधायक जो है कि अरुण वोरा जी हैं, उनके जो पिताश्री थे स्वर्गीय श्री मोतीलाल वोरा जी, स्वर्गीय श्री मोतीलाल वोरा जी के प्रयासों से लगभग 35 साल पहले जो है कि इस ब्रिज का निर्माण करोड़ों की लागत से किया गया था, ताकि लोग जो है कि आसानी से यहाँ आवागमन कर सके। दूसरी बड़ी बात बता दूं कि इस ब्रिज के बनने का जो महत्वपूर्ण कारण ये भी बताया जाता है कि IFSC का गोदाम वहाँ पे है। इस ब्रिज जैसे ही खत्म होता है ढलान, उसके आगे जो है कि उसका गोदाम है, उस गोदाम में जो है कि मालवाहक जो वाहन हुआ करती थी, भारी वाहन हुआ करती थी, उसको भी आवागमन के लिए ये मार्ग जो है कि स्वीकृत किया गया था, सैंक्शन किया गया था, स्वर्गीय श्री मोतीलाल वोरा जी के प्रयासों से इसे बनाया गया था। इन मंडी जो है कि उस तरफ सब्जी मंडी है, भारी भरकम वाहन जो है कि सब्जी मंडी सब्जी लेकर जो है कि आवागमन करती है। अब देखने वाली बात यह है कि इतना बड़ा जो है कि ब्रिज ये है, यहाँ पे बना हुआ है शहर के बीचों बीच, लाखों लोग लगभग यहाँ से रोज जो है कि आवागमन करते हैं, कई भारी वाहन यहाँ से गुजरती है। बीच बीच में हमने जो सुना है सूत्रों के मुताबिक, जो हमें पता चला कि बीच बीच में यहाँ पे जो है कि छोटे छोटे टेंडर निकाले जाते हैं, यहाँ पे थूक पॉलिश किया जाता है, और थूक पॉलिश करने के बाद फिर उसे वैसे ही छोड़ दिया जाता है। अब क्यों ऐसा किया जा रहा है, और क्यों इसकी सुध नहीं ली जा रही है, क्यों बड़े घटना और दुर्घटना को जो है कि न्योता दिया जा रहा है यहाँ पे, ये अपने आप में एक सोचने समझने और जानने का विषय है। हालांकि हमें लगातार जो है कि शिकायतें आ रही थी इस बात को लेकर, तो हमने सोचा कि इस चीज को भी जो बैठे हुए जिले के आला अधिकारी हैं, उन्हें भी बताएं, दिखाएं और समझाएं। अब करना क्या है,
करना क्या है ये तो अब जो बैठे हुए अधिकारी हैं, जो बैठे हुए जिम्मेदार लोग हैं, जो बैठे हुए जनप्रतिनिधि हैं, ये उन्हीं को देखना सुनना और समझना है। इसी तरह के तरोताज अपडेट के लिए सीजी प्राइम को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।